देखिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से यहाँ झारखंड अलग हुआ था, जिस उद्देश्य के साथ ये झारखंड अलग हुआ था, इस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ था कि यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के जितने लोग हैं, इन लोगों को अधिकार मिल पाएगा। जो बिहार में रहते हुए अधिकार नहीं मिल पा रहा था, तो झारखंड जब छोटा राज बनेगा तो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। लेकिन झारखंड बने हुए 21 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक यहाँ स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण पिछले दरवाजे से लोग, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जो अफसरशाही है, वो लोग अपने भाई भतीजे को लाकर यहाँ अनुबंध पर, नौकरी पर रख रहे हैं, जो यहाँ के हकमारी हो रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, अभी जो सरकार है, यहाँ के जो झारखंडियों की सरकार है, जिसको जो पिछले सरकार में जो आंदोलन करके और यहाँ के सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ जो सरकार बनाया गया, इस सोच के तहत कि जब ये सरकार आएगा तो हमारी बातों को सुनेंगे, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन ये सरकार भी 2 साल से ज़्यादा हो गए इस सरकार को बने हुए, लेकिन आज तक ये सरकार भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना पा रही है। ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सरकार को लाकर भी लगता है कभी कभी कि हम लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसका खमियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, ये जनता जाग चुकी है अब, और इसका देखने को समय आएगा, समय पर देखने को मिलेगा कि इसका सजा आने वाले जो सत्ता में, अभी जो सत्ता में है, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।